हजारों करोड़ का माल जाता है यहां से विदेशों में। सोना है ये सोना। इज्जत करता है लोग आपकी, इज्जत नहीं करते हैं, डरते हैं सब। पर डर की यही दिक्कत है, कभी भी खत्म हो सकता है। रॉकी मर गया। जैसे साउथ इंडियन डिश न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है, ठीक उसी तरह कर्नाटक का सोना भी इंडिया से लेके पूरे विश्व में फेमस है। प्राचीन काल से आज तक लोग कर्नाटक से सोने का इस्तेमाल करते आए हैं, पर समझने वाली बात यह है कि कुछ लोगों ने इसका इस्तेमाल कानूनी तो कुछ ने गैर कानूनी तरीके से किया है। भारत हमेशा से ही अपने गद्दारों के वजह से पिछड़ता चला गया है, क्योंकि यहाँ पर आस्तीन के सांपों की कमी नहीं है। ऐसा ही एक गद्दार है रॉकी। रॉकी जिसकी चाहत है पूरी दुनिया पर राज करना। रॉकी गैर कानूनी तरीके से भारत का सोना बेचता है और देखते ही देखते एक खूंखार स्मगलर बन जाता है। पुलिस ये तो जानती है कि रॉकी गैर कानूनी काम करता है, पर उसके पास सबूतों के न होने के वजह से वो उसे पकड़ नहीं पाती है। रॉकी अपना काम बहुत ही सफाई से करने में माहिर है। उसने वो हर जगह के लोगों को खरीद रखा है जो उसको पकड़ सकते हैं। ऐसे में पुलिस रॉकी को पकड़ने का जो भी प्लान बनाती है वो फेल हो जाता है। अब रॉकी का अगला टारगेट सेट है, पर पुलिस रॉकी के टारगेट को सफल होने नहीं देना चाहती और अब यहाँ से एक लाइन खींचती है जो ईमानदार पुलिस वर्सेस करप्ट पुलिस को अलग रखती है। एक तरफ वो लोग हैं जो रॉकी के गैर कानूनी काम को कानूनी तरीके से होने में मदद करते हैं, वहीं दूसरी ओर ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स हैं जिन्होंने ठान लिया है कि कानून को हाथ में लेने वालों के हाथ में हथकड़ियां डालना ही है। रॉकी के अगले टारगेट को फेल करने का जिम्मा मिला है पुलिस डिपार्टमेंट के सबसे ईमानदार अफसर प्रथम खुराना को। प्रथम खुराना पुलिस डिपार्टमेंट का वो नाम है जिसने खूंखार से खूंखार आतंकवादियों को और गैर कानूनी धंधा करने वालों का खात्मा किया है। खुराना ने अपने आदमियों को रॉकी के अगले टारगेट की छोटी से छोटी बात को भी पता लगाने का काम दिया है और इस काम की पूरी रिपोर्ट अब खुराना के सामने है। डिपार्टमेंट में ये खबर फैली कि रॉकी का केस खुराना को मिल गया है और इस खबर को रॉकी तक पहुँचा दिया जाता है। रॉकी हंसते हुए कहता है, आज तक कोई रॉकी को ये सब करते देख भी नहीं पाया है तो पकड़ने की बात ही खत्म। रॉकी कहता है कि ये सब चीजों पर ध्यान लगाने के बजाय धंधे के बारे में सोचना है। वो इस बात को हल्के में लेता है। अगले ही हफ्ते खुराना का ट्रांसफर लेटर डिपार्टमेंट में आता है जिसमें उनकी पोस्टिंग गोवा में हो गई है, ऐसा लिखा होता है। खुराना गोवा शिफ्ट हो जाते हैं और सबको लगता है कि रॉकी भाई का केस हाथ में आने की वजह से इनका ट्रांसफर हो गया है। इसकी हकीकत क्या है वो आपको आगे समझ आएगा। अब खुराना गोवा में अपनी ड्यूटी ज्वाइन करते हैं। खुराना के एक दोस्त है जिसका नाम है रॉबर्ट। रॉबर्ट अमेरिका के पुलिस डिपार्टमेंट में है। खुराना और रॉबर्ट अपने अपने डिपार्टमेंट के होनहार और बहुत ही ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स हैं। एक फोन की बातचीत के दौरान रॉबर्ट खुराना को मिलने के लिए बुलाते हैं। कुछ दिन बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। उधर रॉकी अपने टारगेट को अंजाम देने जा रहा है। रॉकी सोने की डीलिंग करने के लिए अपने क्लाइंट से मिलता है। ये डीलिंग एक शिप में हो रही है और डीलर अमेरिका से है। वो भारत का सोना अमेरिका में इस्तेमाल करता है। डीलर का नाम है जॉन। ये शिप अमेरिका पहुंचने वाला है और अमेरिका के पुलिस पहले ही अलर्ट है, क्योंकि खुराना ने अपने दोस्तों से मिलने के दौरान सारी बातें रॉबर्ट को बता दी थी। साथ ही उनका गोवा ट्रांसफर भी उनका ही सेट किया हुआ प्लान था, जिससे रॉकी के खरीदे हुए अफसरों को एक गलत इन्फॉर्मेशन मिले और वो रॉकी तक ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पहुंचा दे। खुराना का प्लान समझने के बाद रॉबर्ट अपनी टीम को अलर्ट कर देता है। अब अमेरिका की एयरफोर्स ने शिप पर अटैक कर दिया, जिसके बाद रॉकी समुद्र में कूद जाता है, जिससे सबको ये लगे कि रॉकी बीच समंदर में डूब के मर गया। अमेरिका पुलिस हर एक एंगल से एक्टिव है और अमेरिका की नेवी रॉकी को समंदर में ढूंढने का ऑपरेशन स्टार्ट करती है कि अगर रॉकी डूबा है तो उसकी बॉडी कहीं ना कहीं तो होगी।
नेवी पूरे समंदर का अच्छी तरह से इंस्पेक्शन करती है और उसे रॉकी की बॉडी नहीं मिलती है, जिसके बाद पुलिस समझ जाती है कि ये रॉकी की कोई चाल हो सकती है। तब नेवी और अमेरिका के पुलिस रॉकी का सर्च ऑपरेशन स्टार्ट करती है। इस ऑपरेशन में उसको एक आदमी द्वारा पता चलता है कि शायद रॉकी मरा नहीं है, क्योंकि उसने एक आदमी को बच के निकलते देखा जो डूबा नहीं था। तब पुलिस समझ जाती है कि उसने खुद को बचाने का पूरा प्लान पहले से ही बना लिया होगा कि कभी ऐसे सिचुएशन आए तो रॉकी वहां से बच निकले, और पुलिस का ये शक सही भी निकला। रॉकी ने वो सारे इक्विपमेंट्स अपने साथ रखे जो उसे डूबने नहीं दे सकते थे। इन्हीं के सहारे वो समंदर से बच के निकल जाता है और अमेरिका पहुंच जाता है। रॉकी कुछ दिन वही अमेरिका में छुपा रहता है, और इधर पुलिस अपना हर पैतरा अपना रही होती है कि किसी तरह वो रॉकी का पता लगा ले। तब उन्हें एक रेस्टो वाला बताता है कि जिसको आप ढूंढ रहे हैं वो शायद होटल न्यूयॉर्क में है, और वहां से रोज खाने का ऑर्डर आता है। अब पुलिस एक क्लू की तलाश में थी और शायद उन्हें क्लू मिल भी गया था। पुलिस ने उस रेस्टोरेंट वाले से बोला कि आज का ऑर्डर जैसे ही आए वो फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करे। उसने ऐसा ही किया। ऑर्डर आते ही पुलिस की टीम का एक आदमी डिलीवरी बॉय बन के खाना पहुंचाने गया, और उसने रॉकी को देख लिया। इस तरह रॉकी को अमेरिका पुलिस की मदद के द्वारा पकड़ा गया। दोस्तों, आपको ऐसी ही कहानी KGF चैप्टर 3 में देखने को मिल सकती है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो बड़ी मछलियां खा जाएंगी।